प्रोग्राम शहरनामा में मैं आपकी होस्ट रुकाशा गुल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस खूबसूरत शहर का सफर करने जा रहे हैं वो एक तारीखी शहर भी है। इस खित्ते ने तारीख के कई अदवार और अरूजो जवाल देखे जो अब भी इसमें मस्तूर है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। नाज़रीन, ये खित्ता कई अजीम हुकूमतों के जेरे साया रहा, जिसमें सिकंदर आजम, चंद्रगुप्त मौर्य, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, कुशान सल्तनत, मोगलिया सल्तनत, महाराजा रंजीत सिंह, नवाब मुजफ्फर खान और बरतानवी राज शामिल हैं। ये खित्ता अदबो एहतराम का खित्ता कहलाता है और इसे मशरिक का बगदाद भी कहा जाता है। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ आहिस्ता पांव रखो कि यहाँ फरिश्ते सजदा करते हैं। तो आइए चलते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शहर मुल्तान को, जिसे सरजमीने औलिया भी कहा जाता है। नाज़रीन, एक लंबे सफर के बाद मैं पहुंच चुकी हूं मुल्तान, वो शहर जिसे मुस्तनद तारीख का अमीन भी कहा जाता है। अगर इस शहर की तारीख को खोजें तो पता चलता है कि ये शहर 5000 साल से भी पुराना है। यहाँ 3300 कबले मसीह इंडस वैली सिविलाइजेशन के निशानात मौजूद हैं। और एक ईरानी मौर्रख जिनका नाम है फेरिश्ता, उनका कहना है कि इस शहर को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने आबाद किया था। फिर 326 कबले मसीह सिकंदर आजम ने यहाँ का रुख किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान और सिंध की सरजमीन पर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर 1005 में गजना के मुसलमान तुर्क फातेह महमूद ने यहाँ कब्जा कर लिया। फिर 1398 में तैमूर की फौजों ने यहाँ कब्जा कर लिया। फिर 16वीं और 17वीं सदी में मुल्तान ने मुगल दौरे हुकूमत में अमन का लुत्फ उठाया। फिर 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ कब्जा कर लिया। फिर 1857 की जंगे आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा किया और 1947 तक यहाँ ब्रिटिश राज कायम रहा। हिंदू रिवायात के मुताबिक मुल्तान का पुराना नाम काशीपुर था, जो राजा काशी के नाम पर रखा गया था। ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर सर अलेक्जेंडर किंगम के मुताबिक मुल्तान की वजह तस्मिया है मोल देवता। कहा जाता है कि इस्लाम की आमद से पहले ये शहर सूरज के पुजारियों का अहम गढ़ हुआ करता था और यहाँ पर उनका एक तारीखी मंदिर जिसे आदित्य टेम्पल, जिसका मतलब है सूरज का मंदिर, वो हुआ करता था। फिर जो मौजूदा नाम मुल्तान है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक माली कौम आबाद थी और संस्कृत में आबाद होने को अस्थान कहते हैं, तो ये लफ्ज़ बन गया माली अस्थान। लेकिन फिर कसरत इस्तेमाल से ये बन गया माली तान और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बदल गया मुल्तान। मुल्तान के महल्ले वकू की बात की जाए तो इसके मशरक में विहाड़ी, जनूब मशरक में लोधरा, शुमाल में खाने वाल वाक़ है। इसके अलावा दरियाए सतलुज इसे बहावलपुर से और दरियाए चनाब इसे मुजफ्फरगढ़ से अलग करता है। ज़िला मुल्तान का कुल रकबा 3721 मुरबा किलोमीटर है। इंतजामी तौर पर मुल्तान को चार तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिनमें मुल्तान शहर, मुल्तान सदर, जलालपुर पीरवाला और तहसील शुजाबाद शामिल हैं। ज़िला मुल्तान की कुल आबादी 18,71,843 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 53.25% मर्द और 32.28% खवातीन हैं। मुल्तान में जट, राजपूत, अराई, बलोच, सैयद पठान गैलानी और कुरैशी कबायल आबाद। मुल्तान में पंजाबी जबान का मुल्तानी और डेरवी लहजा कसरत से बोला जाता है। मदीनातुल औलिया कहलाने वाले अजीमो कदीम शहर मुल्तान की वसत और अजमत पर तारीख आज भी रश्क करती है। इसकी कदामत का हम पल्ला शायद ही कोई और शहर होगा,
यहाँ मौजूद वक्कार और खूबसूरती के इम्तिजाज से भरे आसमान से गुफ्तगू करते मज़ारात इस शहर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देते। मज़ारात की घनी छांव में सांस लेते शहर मुल्तान ने कई रूहानी मकामात की गुप्त खामोशी और असरार को अपने बातिन में छुपा रखा है। यहाँ कई औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, जिनमें हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह यूसुफ गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह, बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुंशी ग़ुलाम हसन शहीद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद जमाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ईसा इलियास बाबा तलवार शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मुबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शीदी लाल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर मुबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शामिल है। नाज़िम, मेरे इर्द गिर्द जो आपको खूबसूरत रंग और कल्चर नज़र आ रहा है, ये सब कुछ रखा गया है यहाँ की खूबसूरत तारीखी इमारत में, जिसे दमदमा आर्ट गैलरी कहते हैं। और ये एक मुल्तान की बहुत ऊंची जगह पर वाक़ है कि जहाँ से आप पूरे मुल्तान का बड़ी खूबसूरती से नज़ारा कर सकते हैं। और किसी दौर में यहाँ पर मुल्तान का कला कोना हुआ करता था, लेकिन अब उसके खराबे हैं। तो ये आर्ट गैलरी को गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है, लोग आके मुल्तान का कल्चर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वो वाली चीज़ें देख रही हूँ जो ऑनेस्टली अब हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे कि चरखा, फिर ये दूध रिड़कता जाता था हमारे, मैं जब छोटी थी तब देखती थी, और ये वो चीज़ें हैं जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि हम जब आते हैं तो हमें हमारी सकाफत, हमें कल्चर देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा इस पूरी इमारत में वो वाली तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे जो इन्वेडर्स आए, उसके अलावा जितने भी एम्परर्स आए उनकी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गए, शेरशाह सूरी, और इन बहुत सारे लोगों की यहाँ पे पिक्चर्स हैं। फिर बहुत सारी तारीखी इमारतों की पिक्चर्स हैं, जैसे घंटा घर मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे बड़ी ये प्यारी लग रही हैं चीज़ें कि इन्होंने किस तरह से इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से महफूज करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं मुल्तान का एक खूबसूरत तारीखी शाहकार घंटाघर। क्योंकि इस खत्ते में ब्रिटिश राज रहा, तो वो बाकी सिटीज की तरह यहाँ पर भी एक क्लॉक टावर तामीर कर गए। इसको 1884 में तामीर किया गया और इसका संगे बुनियाद सर चार्ल्स अम्फर्स्टन एचिसन ने रखा था, जो उस वक्त के पंजाब के गवर्नर थे। नाज़रीन, बाकी क्लॉक टावर्स और इस क्लॉक टावर में जो एक खास डिफरेंस है कि मैंने जो आपको क्लॉक टावर्स दिखाए पिछले दिनों में, वो तन्हा खड़े थे, लेकिन इस क्लॉक टावर के साथ एक खूबसूरत इमारत है। अब इसका मकसद क्या था कि जब इसे तामीर किया गया तो सिटी को चलाने के लिए और मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ऑफिसेज बनाए गए, तो ये ऑफिसेज के तौर पे काम कर रहा था, और आज भी ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसमें एक बड़ी मजे की बात ये कि एक बहुत ही खूबसूरत हॉल मौजूद है जिसे उस वक्त रिपन हॉल कहा जाता था, और 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो इस हॉल को जिना हॉल का नाम दे दिया गया। मुल्तान बहुत सी सियासी और सामाजिक शख्सियात की जन्मभूमि रहा है। इसके अलावा इस धरती की आगोश में कई अहले इल्मो कलम और फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी परवान चढ़ी, जिनमें मुस्लिम स्कॉलर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मुसन्निफ और माहिरे तालीम अनवार अहमद, क्रिकेटर इंजमामुल हक, क्रिकेटर आमिर बशीर, क्रिकेटर अस्माविया इकबाल, आमिर यामीन, राहत अली, सानिया खान, साकिब अली, सोहेब मकसूद, सुखन फैज, अमानी क्रिकेटर फरहान खान, मुतहिदा अरब अमारात के क्रिकेटर खुरम खान, फुटबॉल खिलाड़ी आरिफ महमूद,
नवीद अकरम, मुल्तान के गवर्नर और शुजाबाद के बानी नवाब शुजा खान, मुल्तान के गवर्नर और मुजफ्फरगढ़ के बानी नवाब मुजफ्फर खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फखर अमाम, हामिद सईद काजमी, हिना रब्बानी खर, मखदूम जावेद हाशमी, शौकत तरीन, सेनेटर और गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, पंजाबी सियासतदान सिकंदर हयात खान, शेख मोहम्मद ताहिर रशीद, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, एडवोकेट और साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग, मुसन्निफ और नावल नगार मजहर कलीम, कॉस्मोलॉजिस्ट मोहम्मद शरीफ, फिल्मी अदाकारा साइमा नूर, सना फखर, गुलुकारा कुरतुल्लैन बलोच और गुलुकार नजम शेराज का ताल्लुक भी मुल्तान से ही है। मुल्तान की मारूफ गुलुकारा सुरैया मुल्तानेकर, जनूबी पंजाब की अजीम गुलुकाराओं में आप अपना ही मकाम रखती हैं। आपने क्लासिकी मौसीकार सारंगी नवाज उस्ताद गुलाम नबी खान की शागिर्दी इख्तियार की। 1956 में रेडियो लाहौर पाकिस्तान में ऑडिशन दिया और तब से कामयाबी आपका मुकद्दर बनी। फिर कराची किया और पेशावर किया और ढाका किया, फिर आपने हर जगह अपना जो है क्लासिकी से जादू जगाया। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। सबसे पहले तो मैं खुशनसीबी महसूस कर रही हूँ कि मैं आपसे मिली हूँ। अरे अल्लाह आपको खुश रखे। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से आपने शुरू किया प्रोग्राम और कैसे पजीराई दे रही हैं आर्टिस्ट को, ये बहुत कम लड़कियों में ये होता लेकिन है। ये भी कुछ भी नहीं है जो आपकी खिदमात है हमारे मुल्क के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आर्ट है उसके लिए, फिर लोकगीत, पता नहीं क्या क्या आपका मुल्क है। ये तो गिने चुने लफ्ज हैं जो मैंने कह दिए, लेकिन तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। और आपका मुल्क है तो मेरा भी तो मुल्क है ना। बिल्कुल हाँ, मैं तो पक्की पक्की बुढ़ापे तक पाकिस्तानी हूँ। अरे किसने कह दिया आप बूढ़ी हो गई हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। अब आपका अंदाजे कलाम है वो बहुत अच्छा है बेटे, और ऐसा होना चाहिए जब आप किसी आर्टिस्ट का ले रहे हैं तो उसको छेड़ें, उसको उकसाएं कि वो बोले, अपने बारे में बताए। वो ऐसे प्यार मोहब्बत के अल्फाज होते हैं जो हम आर्टिस्टों को राम करते हैं, सुकून भी देते हैं और मोहब्बत भी, बात करने को भी जी चाहता है। वो कहते हैं ना कि अगर तबीब मीठा बोले तो मरीज आधा ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, बस वही बात। अब फिर बात आपने जब कहा कि मैं सुने बात और सब, तो मैं तो सबसे पहले यही ख्वाहिश करूंगी कि आप मुझे उस ऑडिशन के बारे में बताएं कि वो क्या जादू चलाया उस ऑडिशन में आपने। हमीद साहब थे प्रोग्राम मैनेजर, शायद उससे भी कुछ बड़े हों, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था कौन डायरेक्टर है, कौन कुछ है, कौन कुछ है। और एक अमीन साहब थे, वो भी बहुत समझदार थे, सबसे सवालात उन्होंने ज़्यादा किए क्लासिकल के बारे में। हाँ, अब आप हमें क्या सुना रही हैं? मैंने कहा जी जौनपुरी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जब पहले इसके वो बताएं कि ये संकीर्ण है संपूर्ण है। अच्छा। और इसमें क्या कितने कोमल सुर लगते हैं और कितने तीवर लगते हैं, मतलब उन्होंने कहा पूरी इसका स्टडीज बता दें क्या क्या है। और वो बताया मैंने। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ख्याल अस्थाई, मैंने कहा जी अस्थाई ख्याल सुनाऊंगी, पहले अस्थाई फिर ख्याल। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ख्याल सुनाएं थोड़ा सा अस्थाई, ये उसके बाद किस ताल में सुनाएंगी? तो मैंने कहा झुमरे में। उसकी एक हमारी लुगत में होते हैं उसकी हम क्या देते ऐसे धाटे दिन इसे मात्रे, ऐसे मात्रे गिनते हैं हम उसके, और इतने मात्रे हैं इसके, 16 है या 14 है या फलाना है, 10 है या 12 है या ऐसे सब 11 है। तो फिर उन्होंने कहा कि शुरू कीजिए। फिर मैंने कहा पहले अस्थाई गाई, कर्म करो मो पेशाएं साईं। चलो थोड़ी सी। तो उसने मेरी कर्म करोगे मो पे कर्म करोगे। ये थी अस्थाई। मैं हैरान पता क्यों हुई हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। अल्लाह आपको, लेकिन जीती इस एज में, हालांकि एज इज जस्ट अ नंबर, अभी आपने कहा है कि मेरी एज ज्यादा नहीं, बूढ़ी नहीं आप, ज्यादा नहीं, लेकिन अब तक आपका वो कंट्रोल है अपनी आवाज पे माशाल्लाह, वो देख के मैं हैरान हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत। अब तो मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, कुछ सुनती जाऊँ सुनती जाऊँ सुनती। बिल्कुल सुने, क्यों ना सुने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब 1960 और 1970 के दरमियान आपको परफॉर्मेंस का मौका मिला मुल्क में भी फिर बैरून मुल्क, तो फिर क्या हुआ कि उस वक्त बड़ा म्यार था
है ना, जब ये दौर था गाने का, तो उस वक्त गाने का म्यार था और गजल का भी म्यार था, काफी का भी म्यार था, हर चीज का एक गाने गीत का भी। बिल्कुल, अब ना शायरी का म्यार है, ना सुर का, ना मेरे बच्चे तरस का जिसे ट्विन कहा जाता है, वो भी मेरे बच्चे ने, और फिर मैंने वो ही गाया। भड़क जाएगी आग, जल जाएगा दिल, निगाहें मिलाने की कोशिश न करना, बड़े मुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव। फिर इसको देख एक बादशाह, इसकी मकबूलियत को देख के, क्योंकि रेडियो पिंडी का वो सारा इंतजाम था, तो उसी में वो सारा उन्होंने कर लिया ना, वो प्रोग्राम जितना भी था उनके पास महफूज था। फिर वो बात एक दिन उन्होंने कोई 10-12 दिन के बाद वो बजाया, तो उसमें ये गजल भी थी, तो फिर इसकी इतनी फरमाइशें आई कि ये वक्त चलता ही रहा। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे इतनी अपनायत हुई, और ये सिर्फ कैमरे पे नहीं है व्यूअर्स, जब मैं आई हूँ इनके साथ बैठी हूँ तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत से पहली दफ़ा मिल रही हूँ, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे, आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और ऐसे ही गाना गाती रहे। अच्छा, मेरा भी दिल यही है, गाना मैं ऐसे गाती रही हूँ, गाना मेरी ज़िंदगी है, मैं छोड़ दूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ, बीमार हो जाती। नहीं, आप ऐसे ही गाते रहे, आपने गाते रहना है, और मेरी राहत बेटी का इसमें बड़ा हाथ है कि तू मुझे गवाती है इस उम्र में। अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश यही थी कि अम्मा जान और बेटी जान दोनों साथ में बैठे, लेकिन वो मेहमानों में मसरूफ थी, लेकिन मेरे इसरार पे उन्होंने बुलाया, और उसके लिए तो सबसे पहले शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहत बानो, मैं बल्कि यही कहूँगी कि जो मैंने बहुत सुना है पीलू पक्कियाँ और दोनों को गाते हुए भी सुना है, तो अभी मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब दूसरी होने जा रही है। आ चुनूर यार, पीलू पक्कियाँ वे पक्कियाँ नीवे, आ चुनूर यार, पीलू पक्कियाँ वे पक्कियाँ नीवे, आ चुनूर यार, कई बगियाँ कई सागियाँ पीलियाँ, कई बुरियाँ कई फिकड़ियाँ नीलियाँ, कई बगियाँ कई सावियाँ पीलियाँ, कई बुरियाँ कई फिकड़ियाँ नीलियाँ, कई उदियाँ गुलनार कटियाँ रतियाँ वे रतियाँ नीवे, आ चुनू रलियार, आ चुनू डलिया, इतना खूबसूरत, और दोनों का जो मिलके वो केमिस्ट्री है वो भी इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह। अल्लाह ताला माँ बेटी को ऐसे ही हमेशा सलामत रखे, और ऐसे ही आप मुस्कुराहटों के साथ गाती रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त ये मेरा बन गया, और ये मेरी इतनी खूबसूरत कीमती याद बन गई आप लोगों के साथ। मुझे भी बहुत खुशी कि आप जितनी लड़की इतना अच्छा हमारा वो कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रही हैं, मेरे बच्चे हंसते मुस्कुराते और वो पक्के पक्के सवाल करें जो हमारे हैं। अब कभी तो पूछने लग जाते हैं, आप हांडी कैसा पकाती हैं, आप सालन कैसा पकाती हैं। अरे भाई, मेरा तो काम गाना है, यानी आज मैंने आपका दिल खुश कर दिया, आप मुझे खुश किया, अब आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मेरे दिल से दुआ निकल रही है। थैंक यू सो मच, आपके चैनल के लिए भी बहुत दुआएं, सब बहुत खुश रहे सारे, अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहर बसाए जाते थे तो उन्हें बड़े बड़े दरवाजों और चार दीवारी में समो दिया जाता था। वही 6 तारीखी दरवाजे इस खूबसूरत शहर मुल्तान में भी मौजूद हैं, जो इसके राजो न्याज के अमीन हैं। इन 6 दरवाजों में हरम दरवाजा, पाक दरवाजा, दिल्ली गेट, लोहारी गेट, बहड़ गेट और दौलत गेट शामिल है। मैं जिस दरवाजे के सामने मौजूद हूँ, इस दरवाजे को दिल्ली गेट कहा जाता है। नाज़रीन, इन दरवाज़ों से उमड़ती ज़िंदगी यहाँ रहने वालों और यहाँ आने वालों
दोनों के मजाज को आज भी पूरी ताकत से अपनी तरफ मतवज्जो करती है। आइए चलते हैं इन दरवाजों के अंदर की जिंदगी को देखते हैं और सैर करते हैं। मुल्तान शहर का खित्ता तारीख़ो तहज़ीब का मरकज़ होने के साथ साथ यहाँ के इल्म व फ़न की भी भरपूर अक्कासी करता है। मुल्तान में फसील और दरवाज़ों में मौजूद बेशतर महल्लों में आबाद हुनरमंदों का जो हुनर है ना, वो यहाँ की तहज़ीब और रिवायात का मुँह बोलता सबूत है। और यहाँ पर दस्तकारी वसी पैमाने पर फाल है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मौसीकी के आलात, लकड़ी के नमूने, खुस्सा बनाना और एंटीक तर्ज की ज्वेलरी आ जाती है। फिर उसके अलावा टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई, कालीन, खेस वगैरह, फिर काशीकारी, शीशकारी, कटी हुई ईंटों का काम, और तो और कांसी और चांदी के बर्तन, और इसके साथ साथ ऊंट की खाल से बनी हुई दीगर अशिया शामिल हैं। तो आइए आपको बाजार की रौनकें दिखाते हैं और यहाँ की दिखाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। नाजरीन ही वेले मैं जरीदा काम करेंदी पई हाँ, तो मैं इत्थे मिली हाँ के मुल्तान दे सराय की भाई जान नाल, जिन्हां दा नाम है मुहम्मद सुहेल, तो मेरे नाल बैठे वेंदे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल ने तुहाडे? अल्लाह दी रहमत। भाई जान जरा खुल के गल करो, अज असीं तुहाडे नाल खुल के गल करना है। जी जी। ते अज ते मैं तुहाडे तों सराय की भी सिखदी पई हाँ। ठीक है। तुसीं इन समझो कि असीं घर च बैठे हुए हाँ। ठीक है जी। मैनूं लगदा तुसीं घर च वी इंज ही बैठदे हो। है ना भाभी तो डरदे मैं लगता है, हैं? ओ तो सारे डरदे ने। आहा। अच्छा चलो चलो, देखो भाभी दा अपनी जगह ते भैन तुहाडे नाल बैठी, भैन नाल ते खोल के गल करो ना। जी हुकम करो। हुकम है वे के दसो कि तुसी एडा सोहना काम कर रहे हो जी, ते सकाफत है मुल्तान दी। जी जी। थानू ए करदे किन्ना अरसा हो गया? मैनू तकरीबन 20-22 साल हो गए ने। तुसी ते हुण अपने शागिर्द भी बना ले होणगे। हां जी। ते दसो के लोग इन्हू किन्ना क पसंद कर रहे हैं इस काम? काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग कहते हैं चलो मशीन आ गई है, तो मशीन नाल जल्दी जल्दी काम कर लो। हाथ का काम है, मशीन दे ते हाथ के काम में बड़ा फर्क है। ये पूरी दुनिया में सारा काम जाता है, दुबई में भी, इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान में काफ़ी काम है। तो मैंने यह दसो कि जो पूरा सूट है बड़ा सोहना जहा, कमीज भी इंज की काम की भरी हुई, तो जी जी कुर्त दुपट्टा भी, हर चीज़ से पूरा सूट सोहना जहा, किन्ने का मिलेगा? दुकान तो नहीं, नहीं अस ये बना रहे तकरीबन 50,000 रुपए का। अच्छा। ते दुकानदार कम से कम 1.5 लाख का सेल करेगा। ओए होए, लाख रुपए की बचत हो रही है। तो हर साल नवी दुकान ले लेने। तो 22 साल समझ नहीं आई पर मेनू समझ आ गई। असल असी मजदूर आदमी है, वो कारोबारी है, पैसे नाल पैसा कमाते है। तो तुम वैसे कर सकते हो, मेरे तो दिल से आइडिया आ गया कि मैं हूँ यह काम भी शुरू करना, क्योंकि मैं कोई काम नहीं छड़िया। तो नाजिम सरायकी मैं सीख रही हूँ। वैसे मैं आज तक सरायकी के 3 लफ्ज़ सीखे सी, जेड़े मेरे नाल जिन्हां दा ताल्लुक है, खावना पीवना ते समना, ते कि खाओ पियो सो जाओ, फिर उठ के खाओ पियो ते सो जाओ। लेकिन हुण इत्थे मैं होर ट्राई कर रही हाँ, ते हुण असीं मैं दबके दा काम करेंदी पई हाँ, ते कढ़ाई दा काम करेंदी पई हाँ, ते उस तो बाद मैं चाय भी पींदी पवांगी इत्थों, ते असीं मिलदे हाँ किसी होर स्पॉट ते। सुहेल भाई जी नाल गल करके मैनूं बड़ा सोहना लगदा पैंदा पिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। डोली रोटी वाली आई, मीठी रोटी वाली आई, आलू रोटी वाली आई, दाल रोटी वाली आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास भाई कैसे हैं आप? पहले ये माइक मुझे पकड़ाए आप, और मुझे ये बताएं कि मैंने ये आवाज सही लगाई है? हाँ जी ठीक लगाई है। एक दफा आप आवाज लगा के दिखा दें जरा, हो जाए फिर डोली रोटी। डोली रोटी, मिठी रोटी, दाल वाली रोटी, आलू वाली रोटी, गेहूं वाली रोटी, खोए वाली रोटी। इस रोटी का तारीख से या शाही दौर से कोई ताल्लुक है?
ये शाही दौर से ताल्लुक है इसका, और ये बहुत आला चीज बनती है और हेल्दी भी होती है और आला भी होती है। अच्छा हेल्दी तो होती है, लेकिन मेनू ज्यादा मजा आंदा वेंदा है जे तुसी सराइकी च गल करंदे पेंदे हो। इस सराइकी ये जनाब एक मिठी होंदी है, दाल वाली, कीमे वाली, खोए वाली और चिकन वाली, मच्छी वाली, मजीद बेवी होने गरी बदाम वाली। ते एडी थाली विच तुसी सारीयां रोटियां केंजे समाओ देतियां ने? ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇਵੇਂ ਚਾਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਹ ਰੋਟੀਆਂ ਭਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਟਾ, ਘੀ, ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ ਔਰ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਦੇਸੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਦੇ ਤੋ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਏ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ। ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਦਾਲ ਵਾਲੀ? ਨਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਭੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਭੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ 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 ਗਰੀ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ, ਦੋ ਦਾਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ? ये गरीब दाम वाली। अरे वाह, ये तो एक थाल में इतना महंगा माल भाई, ड्राई फ्रूट इतने महंगे होते हैं, आप तो इतना कुछ लेके घूम रहे हैं। मुझे बादाम वाली दिखाएं कैसी होती है? ये खोए वाली आला किस्म की होती है। खोए वाली दिखा दें। बिस्मिल्लाह। अच्छा दी, व्यूअर्स को नहीं दिखानी, मैंने खा के बता दी। आप अपनी रोटियां ना बताएं मेरे से। बिस्मिल्लाह जी, कोई मसला नहीं। आपको किसी ने बताया तो नहीं दिया कि मैं बहुत खाती हूँ? हाँ जी ऐसी खाई मिला है, मिलना है सदा। और जी ये चिकन वाली भी होती है, मच्छी वाली भी होती है और छोटे कीमे वाली, बीफ वाली। ये पकड़ ले, ये मुझे दे दें, शाबाश जी। ये पकड़े आप जी सर, ये मैं तसल्ली से खाऊंगा। अच्छा माइक पकड़ लें आप। अच्छा हमारे जब हम बचपन में बारिश आने वाली होती थी ना, तो मेरी मामा ये मीठी रोटियां बनाई, ये वही चीज़ है जी? वही चीज़ है, वही चीज़। उसके क्या बोलते हैं वो, मीठी टिक्कियाँ? हाँ मीठी टिक्की। अच्छा सराइकी का लफ्ज है, ये सराइकी का लफ्ज है, इसको डोली रोटी कहते हैं। ये क्या चीज़? ये अचार होता है। अच्छा अच्छा, ये घर का बना हुआ अचार होता है, ये बाहर से नहीं बनाते। कारीगर आपने बड़ा अच्छा लगा, उसे पता चल गया बाजी को ये चाहिए होगा वो। जी सर। अरे वाह। और आप? मैं कहती हूँ कंप्लीट फूड पैकेज है, कंप्लीट फूड पैकेज है। मतलब एक होता है ना शाही थाल, रोटी, नमकीन। वो शाही थाल होता था ना, एक बादशाह के सामने थाल आया, रोटी, नमकीन, मीठा, सब कुछ आ रहा है। तो भाई ये इतनी सी टिक्की है, बट मैं कहती हूँ कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, लाजवाब। अरे वाह आला। और मेरा एक ना सिग्नेचर बन रहा है आजकल, मैं खाते खाते जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगे मैं कहती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्पॉट पे। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्तान में दस्तकारी की सन्नत को कमाल हासिल है, ना जाने क्यों लोग मशीन से हटकर हाथ के काम पर ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, फिर आपका आर्ट नज़र आता है, आपकी सकाफत नज़र आती है, क्या कढ़ाई, क्या बुनाई, क्या छपाई और फिर जूता बनवाई की जब बात होती है तो सबसे पहले एक शाही पहनावा जहन में आता है और वो है शाही खुस्सा। और खुस्से में इतनी इकसाम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब तक तो खुस्सा आता था, मैं पहनती थी और इवेंट चला जाता था, लेकिन आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि कैसे खुस्सा एक फर्स्ट प्रोसेस से होते हुए तमाम मराहल से गुजरते हुए फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचता है और किस शक्ल से, किस खूबसूरत शक्ल में ये आ जाता है। और मज़े की बात यह है कि अब चूँकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है और शादियों का भी सीज़न ऑन हो गया है, और मेरा मानना यह है कि दूल्हा चाहता है कि जी मुझे कमाल का खुस्सा मिल जाए। और मुझे लगता है कि खुस्सा कमाल होता है, इसीलिए सालियां उसको छुपाने में इतनी तगोदो कर रही होती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर खुस्सा कैसे बन रहा है और कितनी मेहनत के साथ ये दिल लगा के अपना काम कर रहा है। चाहता है आपको एक और दस्तकारी दिखाने का, और इसे कहा जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग।
और ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है ये तो वही बताएंगे जो ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक बेटा। भाई साहब मुझे ये बताएं कि ब्लॉक प्रिंटिंग, मैंने सुना है कि दस्तकारी है, हाथ से होती है, लेकिन इसको देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हाथ से इतनी सफाई से काम नहीं बेटा, ये ठप्पे हैं इसके, ये हाथ से बनते हैं। वो एक मुहावरा है ना, हाथ की सफाई, वो तो किसी और मानों में होता है, लेकिन इतनी हाथ की सफाई में पहली दफा देख। नहीं नहीं बेटा, ये हाथ से बनाते हैं, ये पुराना काम है हमारा, उस्तादा का पुराना, बहुत खाने मुल्तानी बेडशीट मशहूर है। इसका ब्लू कलर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़े बनते किससे हैं मुझे ये बताएं। ये ठप्पे से बनते हैं, ये ठप्पे लगाते हैं। तो ये ठप्पे तो वो नहीं है जो वो औरतें आती हैं हमारे मोहल्लों में, इतनी वो ग्रही नहीं हो सकती है, वो तो ऐसे ऐसे मोटे होते हैं ना, वो ये नहीं बन सकते, ये ऐसे बनाते हैं ना, ये आउट लाइन है। अच्छा। इसके डाटे होंगे, बच्चे होते हैं भाई, सही दिखाएं जरा, मैं अपने व्यूअर्स को भी डिजाइन दिखाऊं कि देखें आज मैं आपको इतने प्यारे प्यारे डिजाइन और आर्ट्स और पता नहीं क्या क्या दिखा रही है। देखिए इतने खूबसूरत डिजाइन, पहले ये लगती है आउट लाइन लगाई जाती है, बाद में डाटे भरे जाते हैं। तो ये इतना नीट कैसे बन जाता है मुझे? अब जैसे ये वाली लाइन है, ये बारीक लाइन स्ट्रेट चल रही है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये हाथ की सफाई होती है ना। और ये अब बना तो हाथ से है, होता है ना, हमने गर्म पानी में पकाया, चलो एक रंग पक्का हो गया, तो इसके रंग क्यों नहीं जाते? ये रंग पक्के होते हैं, ये मशहूर है। होते किस चीज के ये रंग? ये सब्जियों से कलर बनाते हैं। देखिये ना, ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ है, सब्जियों के रंग, फलों के रंग। मैं तो हैरान ही होगी, मुल्तान में इतना आर्ट है, इतना आर्ट है, यकीन करें। मैं सुबह से घूम फिर रही हूँ और कहीं पे वो कढ़ाइयाँ हो रही हैं, वो भी मैंने देखी हैं आज। अब देखें ये कितना खूबसूरत कलर है, और मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, मेरा दिल कर रहा है पूरी दुकान खरीद लूँ। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे आपका जो है ना वो फीडबैक बताएगा कि आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं। ये अब कोई यकीन करेगा कि ये कलर आपने फलों से सब्जियों से निकाले हुए? अरे वाह, ये गोल दायरा होता है, ये है हमारा पाकिस्तान और उसका खूबसूरत कल्चर, हमारी सकाफत। और मेरा मानना यही है कि जो आपकी सकाफत है ना, आप उसी को फॉलो करें तो लोग भी आपकी वाहवाह करेंगे। अगर आप दूसरी सकाफत की तरफ भागेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये हाथ का काम होता है ना, लोग बस इसकी गवर्नमेंट दिलचस्पी नहीं देती। हाँ जी, ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। सर माशाल्लाह आपके रश तो रुकने का नाम ही ले रहा। मैं सुबह सुबह की मार्केट में घुसी हुई हूँ, मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ, मुझे बारी नहीं मिल रही थी कि मैं दुकान में किस तरह से आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की रहमत है, उसकी अता है कि उसने इसमें खैर व बरकत बख्शी है। और ख़ास तौर पर ये जो पाइनियर हैं इस हलवे के, हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब, वो हाफिज़ कुरान थे, और ये कुरान पाक की खैर व बरकत है मेरे ख्याल में कि अल्लाह पाक ने इसमें इतना जायका और इतनी खैर और बरकत रखी है। अब आप एक फेवर करें, माइक आप पकड़ लें जी प्लीज, और प्लेट मुझे पकड़ा दें। अच्छा ये कौन सा है मिक्स? ये अखरोटी हलवा है। अच्छा। और अब आप इसे टेस्ट करके बताएंगे कि इसका क्या टेस्ट है। देखें जी, मैं तो टेस्ट नहीं भी करके यही बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ, हमारे घर में यहीं से जाता है हलवा। जो सही व्यूज होते हैं ना वो खाने के बाद आते हैं, मेरा ख्याल है कि आप अच्छे व्यूज आए। अच्छा माइक आपने पास रखे, मेरा माइक लगा, मैंने इस टेंशन से आजाद होने। चलिए थैंक यू। देखें जी, ये मैं ना भी खाती तो सच में सोहन हलवा एक अजीब सी एक मीठा है, और ये शाही मीठा कहलाता है, शाही खानदानों से चलता आ रहा है और हेल्दी है क्योंकि ये इंग्रेडिएंट जिनसे बन रहा है वो बड़े हेल्दी है। जिला मुल्तान में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, 4 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, 8 देही सेहत के मराकज, 82 बुनियादी सेहत के मराकज, 1 सिविल अस्पताल, 26 डिस्पेंसरीज, 26 MCH सेंटर्स, 17 सिटी मेडिकल सेंटर, 2 डेंटल अस्पताल और 1 चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल जिसे निश्तर अस्पताल कहा जाता है, बिल्कुल उसके सामने। और ये अस्पताल 1953 से आवाम के लिए सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। इसमें 1800 बेड्स हैं, इसके अलावा 31 वार्ड्स, 15 ऑपरेशन थिएटर्स, 1 बर्न सेंटर, 1 इमरजेंसी सेंटर है। इसके अलावा बच्चों के अमराज के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स भी है,
फिर दिली अमराज के लिए यहाँ पर जदीद कार्डियोलॉजी अस्पताल है, और ये वो अस्पताल है जहाँ पर पहली ओपन हार्ट सर्जरी 2007 में मुकम्मल की गई। जिला मुल्तान में तालीमी जरूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ पर 384,236 स्कूल्स, इसके अलावा 1592 कॉलेज और आला तालीम के लिए यहाँ पर बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी, जिसे मुल्तान यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, मौजूद है। इसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत कदम उठाया गया, ख्वाजा सराओं के लिए 2021 में एक सरकारी स्कूल भी तामीर किया गया। ये सारे अदाद शुमार तो एक तरफ, लेकिन इन सब के बावजूद एक तश्वीशनाक बात देखने को मिली है कि इस ज़िला की शराह खानदगी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 45%। यानी मुल्क का पांचवां बड़ा ज़िला होने के बावजूद इसकी शराह खानदगी मुल्क के छोटे छोटे अज़ला से भी कम है। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए ज़रा अपनी तवज्जो इस तरफ लेके आए। ज़िला मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए 32 थाने फ़ाल हैं और 5500 की नफरी है, जो कि आबादी के हिसाब से कदरे कम है। और अगर हम पिछले दो साल के डेटा को कंपेयर करें, 2021 और 2022, तो देखा गया है कि 2021 में इश्तिहारी मुकदमात जो दर्ज हुए वो तकरीबन 2249, 2022 में 1480। अगर कत्ल के केसेस देखें तो 2021 में 185 और 2022 में 154। और अगर डकैती के हम मुकदमात देखें तो तकरीबन 42 मुकदमात 2021 में और 72 मुकदमात 2022 में। रॉबरी को देखें तो 710 2021 में, 947 2022 में। अब अगर इस कंपैरिजन को देखा जाए 2021 और 2022 में, क्राइम रेट या क्राइम ग्राफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता नज़र आ रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आबादी के हिसाब से नफरी काफ़ी कम है। ज़िला मुल्तान ज़रई एतबार से ख़ासकर कपास और आम की वजह से काफ़ी मुमताज़ है। यहाँ के ज़रई तहकीकी इदारों में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉटन रिसर्च स्टेशन, फिर मैंगो रिसर्च स्टेशन और बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में ज़रई डिपार्टमेंट शामिल है। अगर यहाँ के एकड़ या अराजी को डिवीज़न में हम करें तो पता चलता है कि 7,59,766 एकड़ रकबा वो है जो काबिले काश्त है। इसके अलावा 1,76,125 रकबा वो है जो ना काबिले काश्त है। यहाँ का 10 एकड़ रकबा जंगलात पर मुहित है। इसके अलावा 1,10,992 एकड़ रकबा वो है जो फजला है और काश्त के काबिल है, लेकिन उस पर 5 साल बल्कि इससे भी कई साल ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि काश्त नहीं की गई। इसके अलावा वो रकबा जिसे ना काबिले काश्त करार दिया जा चुका है वो है 6,56,123। अब अगर मैं बात करूँ तो मैं मौजूद हूँ आमों के बाग में, और मुल्तान को कहा जाता है आमों की नगरी। अगर तो ये मौसम होता तो यही दरख्त जो हैं वो आपको आमों से लदे और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे होते। खैर, खूबसूरत तो ये अब भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुल्तान का आम इस कदर मशहूर है कि यहाँ पर आपको क्वालिटी भी मिलती है, वैरायटी भी मिलती है, क्वांटिटी भी मिलती है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ का आम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। और बल्कि बाहर से जब लोग आते हैं ना तो आते ही फरमाइश करते हैं कि भी हमें मुल्तान का आम चाहिए, हमने वही खाना है। अगर हम इनकी क्वांटिटी की तो बात हो गई, हर चीज़ की बात हो गई, अब इनकी थोड़ी सी टाइप्स की बात होती है जिसमें बहुत टॉप पे सरे फहरिस्त आम आ जाते हैं, जिनमें हैं अनवर रटोल, चौंसा, काला चौंसा, दुशहरी, फजरी, कलां, लंगड़ा और पता नहीं क्या क्या। खैर, आइए अगले स्पॉट में मिलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही हुनरमंद मोहम्मद वाजिद काशीगर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि काशीकारी आखिर है क्या।
हमारा तो ये सारा कॉन्सेप्ट मिक्स होता चला जा रहा है, ब्लू पोट्री, काशीकारी और फिर पता नहीं शीशकारी और पता नहीं कितने आर्ट यहाँ देखने को मिले हैं, इतनी सकाफत यहाँ देखने को मिली है। तो जानते हैं उन्हीं से जिसको इसकी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप लोगों से बात करते हो ना, मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं कि कितना टैलेंट आप लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। और आप माशाल्लाह, मज़े की बात यह है कि आप, मैं जिससे भी मिल रही हूँ वो लोग तारीख से, मतलब उनकी नस्लें ये काम करती आ रही हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपका ये सिलसिला कब से चलता है? हाँ जी, ये हमारे ख़ानदान में तकरीबन 400 साल से आ रहा है। अच्छा जी, मेरे वाले साहब, मेरे दादा, परदादा, ये छवीं नस्ल पे मैं हूँ, आगे बच्चे सीख रहे हैं सातवीं नस्ल पे, इनके वो हैं। ये काम सदियों बल्कि हज़ारों साल पुराना है, इसको तकरीबन 5000 कई कहते हैं जी बुजुर्ग, बहुत कदीम काम है। इसमें आप मुल्तान के जो है मज़ारात देख लें। हाँ जी। इसकी जो पेरेंग है तकरीबन किसी की 800 साल बाद हुई है, किसी की 100 साल, किसी की 1000 साल बाद। ये सारा जो है ना, इसमें हमारी फैमिली के जो लोग हैं, मेरे दादा परदादा, ये उन्होंने ये पहले बनाए थे, फिर उसकी जो रिपेयरिंग है वो हमारे हिस्से में है। यहाँ के किसी मज़ार में आपने काम किया और या आपका काम हम देख सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, इसमें 1970 में जो है ना हमने ये रिपेयरिंग की थी शाहरुख आलम। अच्छा। दरबार की, यानी ये बिल्कुल खस्ता हालत में था, बिल्कुल गिरने वाला था। अच्छा। तो उस वक़्त तकरीबन ये से 15 साल लगे थे इसकी रिपेयरिंग के, मेरे वाले साहब 15 साल। जी जी 15। अच्छा। साल उसमें लगे रहे, हम भी थे, हमारा ये काशीकारी का था, काम था, दूसरे ये अपना लगे रहे 15 साल में, ये जाके ये इसका वो असली हालत में आया। अच्छा। उसके बाद बहुत अपना शाहरुख आलम है, उसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है, उसमें मुल्तान में शाह गर्दीज है, शाह यूसुफ गर्दीज का मज़ार है, शाह शमस का है। तो आप मुझे थोड़ा कुछ बना के दिखाएं। जी ये तो बना हुआ है ना, तैयार है। अब इसकी जो है ना फिनिशिंग, अब इसका फाइनल क्या होगा? हाँ। मतलब अच्छा, ये मट्टी पकाई भी जाती है? जी जी, इसको फिर पकाते हैं ना, क्योंकि ये वो हार्ड हो जाती है बिल्कुल टाइल की तरह। जी जी बिल्कुल, वही टाइल होती है ना, ये तो फिर सदियों नहीं खराब होती। हाँ अब देखो, अब इसकी फिनिशिंग हो गई है, ये अब बगैर फिनिशिंग के। अच्छा अच्छा, ये तैयार है। तो अभी तो इसके ऊपर काफ़ी काम करना है, इसके ऊपर ये भी उसी तरह बिलो बॉर्डर भी बनेगी इसके ऊपर। अच्छा, ये जो आपने बनाई है ये कितने टाइम में बनाई है? मतलब अगर आप सुबह 9 बजे से बैठे हैं तो कितने घंटों में बनेगी? ये इसमें तक में 5 घंटे लग गए। हाय अल्लाह, ये तो बहुत ही लंबा और मेहनती। 5 घंटे लग गए, फिर इसको सूखने में 3 दिन लगते हैं, ये सिर्फ धूप में सुखाना पड़ता है। और व्यूअर्स, हम क्या करते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं यार इतना रेट, ये सस्ता करें, थोड़ा कम करें। तो आप देखें कि ये सिर्फ एक टाइल बनने में 5 से 6 घंटे दरकार है, और मेहनत देख लें उनकी। और फिर उसके अलावा आपको इतनी खूबसूरत सकाफत देखने को मिलती है। तो अंकल थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आपने जो हमें तारीखी कुछ चीज़ें बताई वो भी जान के बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन, आज मैंने सारा दिन कोशिश की कि जो जो चीज़ मेरे आड़े आ रही है ना, मैं उसको सीखूं। अब वो चाहे ज़ुबान है, चाहे यहाँ का कोई डायलेक्ट है, या कोई आर्ट है। और इस वक्त जो मैं आर्ट सीखने की कोशिश कर रही हूँ वो उबैद भाई सिखा रहे हैं मुझे। और मैं इनसे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आखिर क्यों? मतलब आजकल की जनरेशन जो है वो भागती है मेहनत से, और वो भी इस तरह की मेहनत से। तो इनको क्या चीज़ ऐसी अट्रैक्ट की और क्या इनके लिए मोटिवेशन हुई कि ये इस फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपने जो आबाओ अजदाद की हिस्ट्री है उसको आगे लेके चलना चाहते हैं? जी उबैद भाई बताइए ज़रा। जी मुझे इस काम में का इसलिए ज़्यादा शौक है क्योंकि ये जब मैं पुरानी हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो उसमें जब मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र होता है और हमारे ये मज़ारात का, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि ये तो मज़ारात हैं, इनका सारा काम तो हम लोग ही करते हैं और हमारे बुज़ुर्ग वगैरह ही करते आए हैं। नहीं तो मोहम्मद बिन कासिम से मतलब आपका ताल्लुक क्या बनता है? जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान आए थे जी जी, तो हमारे बुज़ुर्ग भी उन्हीं के साथ ही मुल्तान आए थे, तो तब से ये काम स्टार्ट हुआ है ना काशी का। हाँ जी, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं उनका ही साथ आया हुआ एक
उनके ही मतलब आप उनके साथ से चलते आ रहे हैं, तो कनेक्शन बनता है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये आर्ट भी एक रॉयल आर्ट है, तो वो भी एक कनेक्शन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बताएं कि आपका इसको दिल से करने का तो शौक बना ही बना, अब इसको आप आगे कहाँ तक लेके जाने वाले? हाँ, आगे अब इंशाल्लाह इसका सोचा हुआ है मैंने कि इस काम को मैंने जारी रखना है, और अब और इसको मैंने एक फैक्ट्री की शक्ल भी देनी है, ताकि ये और लोग जो हमारे खानदान के लोग इस काम को ना छोड़ गए थे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब इसके अलावा आपका कोई ड्रीम था कि अगर मैं ये ना करता तो फिर मैं क्या करता? इसके अलावा मुझे और शौक़ हैं, और वो मैं जब टाइम मेरे पास होता है तो मैं वो भी करता हूँ। मुझे जैसे कि मुझे कि म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। अच्छा, अरे वाह, ये तो दुखती रख पे हाथ रख दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ सुनाए ना फिर हमारे व्यूअर्स को प्लीज़। आवसमांडे कॉल कॉल वे माही, आवस मांडे कॉल यार सिपाहीड़ा, आवस मांडे कॉल एक लख मंग से डू लख डे एक लख मंग से डू लख डे एक बारी चा बोल 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 एक बारी चा बोल यार सिपाहीड़ा, वस मांडड़े कॉल। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुल्तान शहर एक तारीखी खित्ता रह चुका है, और यहाँ पर आपको कई तारीखी शाहकार देखने को मिलते हैं। इस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत मारूफ तारीखी शाहकार जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है, वहाँ मौजूद हूँ। और ये मस्जिद 1735 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में मोहम्मद अब्दुल समद ख़ान तुरानी ने तामीर करवाई थी। इस मस्जिद की खास बात यह है कि ये 7 गुंबदों पर मुश्तमिल है, और जिसका दरमियानी गुंबद बहुत ऊंचा और नुमाया है कि इस मस्जिद को दूर से देख के भी पहचाना जा सकता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िर हूँ। आपका शुमार सिलसिला सुहरवर्दिया के अजीम पेशवाओं में होता है। आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते, शेख सदरुद्दीन आरिफ और बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद। आपकी विलादत 9 रमज़ानुल मुबारक 649 हिजरी को जुमा के रोज़ हुई, और आप 7 जमादिल अव्वल 735 में बाद नमाज मगरिब नवाफिल अदा करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इस मज़ार की एक बड़ी खूबसूरत बात कि 700 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी देखी जा सकती है। और इस मज़ार की एक और बड़ी खूबसूरत बात कि हुनरमंदी के अतबार से इसके गुंबद को एशिया का दूसरा बड़ा गुंबद कहा जाता है। आज यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं, ज़ायरीन पूरे मुल्क से हाजिरी देने के लिए यहाँ हाजिर हुए। आइए मिलके दुआ करते हैं। इश्क यूं ही तो नहीं तेरे मुल्तान के साथ, शम्स के शहर में कुछ शम्स नुमा रहते हैं। नाज़रीन, नस्बत और नसब को बड़ी अहमियत हासिल है,
और इस खूबसूरत शहर मुल्तान की यही खास वजह है कि इसे औलिया कराम की नस्बत नसीब हुई। और शायद यही वजह है कि कोई भी यहाँ आता है तो ये शहर उसे अपने हिसार में ले लेता है। जब आप यहाँ आते हैं तो अपनी रूह की बदलती हुई तासीर को बआसानी महसूस कर सकते हैं और अपनी खुदी के रमूज से आशना हो सकते हैं। मैंने भरपूर कोशिश की कि अपने इस एपिसोड में आपको मुल्तान की तारीख, यहाँ की सकाफत और यहाँ के खूबसूरत हुनरमंद मिलनसार लोगों से मिलवाऊँ, और मैंने ये किया। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत जल्द मैं आ रही हूँ आपके शहर में आपसे मिलने। तब तक के लिए मुझे मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।